अबे उसको ना इतना मारना है ना बे, उसको इतना मारना, कसम है तेरे को भाई, इतना मारना ना उसको तीन बंदे, बस उसको ना मतलब वो भागना चाहिए एकदम, ठीक है। लीडर वर्सेस सात्विक भाई, सात्विक भाई, सात्विक कौन बचेगा, कौन बचेगा? अरे सात्विक भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? सात्विक भाई जैद भाई अपनी गिल्ड के लिए ब्रो वाले प्लेयर्स का टेस्ट ले रहे थे और हम भी मजे से उनकी लाइव स्ट्रीम देख के मजे ले रहे थे। ओके कि तभी वो कुछ ऐसा बोलते हैं, ए अभी ना तुम लोग का मैं गिल्ड टेस्ट कराने वाला हूँ, किसके साथ पता है? अबे उसको ना इतना मारना है ना बे, मतलब तू ऐसा समझना उसको बस पीटना है, ठीक है? तुमको ना मैं तीन बंदों को ऐड करूंगा उसके साथ, ठीक है? ठीक है समरिया, इतना मारना उसको, नहीं बे तू आना बताऊंगा कौन है, चल उसको इतना मारना, कसम है तेरे को भाई, इतना मारना ना, बस उसको ना मतलब वो भागना चाहिए एकदम, ठीक है? और उसका नाम है गाइस सात्विक भाई को पहले पिटाई करते हैं, ठीक है? ठीक है गाइस, क्या लगता है आपको सात्विक भाई की पिटाई होगी कि नहीं, बता मेरे को जरा चैट में, आपको क्या लगता है सात्विक भाई की पिटाई होगी क्या? सही देखा आपने, आप बिनजद भाई हमारा बन बिदरी करा रहे हैं अपनी गिल्ड के तीन प्लेयर्स के साथ, तो भाई आप रेडी होना हमें आता हुआ सॉरी जीतता हुआ देखने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है ना कि हम कितने ज्यादा वाले ब्रो प्लेयर हैं। पर आज बिनजद भाई के तीन तीन गिल्ड वाले प्लेयर्स को देख के थोड़ा डर टाइप का लग रहा है। अरे चले कोई नहीं, अबे 1v1 करके जाना, ठीक है? पहले ही बता रहा हूँ मैं, स्किल ऑफ तो नहीं है ना? सात्विक भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? सात्विक भाई गेम स्टार्ट हो चुका है और बिनजद भाई ऑब्जर्व में रह के एक न्यू प्लेयर का गेम प्ले देखने वाले हैं। वैसे सामने वाले तीनों भाई एडम लिए हुए हैं पर हमें मारने के लिए वो सब एक एक करके आएंगे, यानी कि बहुत ही इजी आसान तरीके से हमारा भुइया हो जाएगा। अरे भाई हंसने की कोई बात ही नहीं है, वो आपको पता है ना हमारे यहाँ पहला राउंड हारने की परंपरा है, इसलिए ये हुआ। पर अब देखना एक न्यू प्लेयर का ब्रो वाला गेम प्ले, करने जाओ वनीवन करने जाओ, यहाँ पे सात्विक भाई रश कर रहे, पर लगा के पापा की परी लग रही है यहाँ पे, सात्विक भाई क्या उड़ने वाली है क्या पापा की परी? अरे पापा की परी स्कूल को चली, अरे भाई अरे भाई बुला रहे बंदू को एकदम, पिटाई कर इसकी। क्या सात्विक भाई आज गिल्ड टेस्ट में कामयाब हो पाएंगे क्या? अरे भाई अरे भाई, ये मैं बताऊंगा ना तेरे को। अरे भाई सात्विक भाई के सामने क्या हो गया ये? सात्विक भाई तुम्हारे साथ क्या हो गया है मेरे भाई? सात्विक भाई वी बैच की इज्जत खराब कर रहे हो उधर गेम प्ले के साथ। नेड्स ऑन रखो, अरे भाई नेड ऑन नहीं रख सकते ना भाई। तो आज पहली बार आप हमारा ऐसा गेम प्ले देखने वाले हो, इसे देख के आप डर भी सकते हो, तो कृपया आराम से देखिएगा। गाइस क्या लगता है आपको, क्या सात्विक भाई यहाँ पे एक राउंड भी निकाल पाएंगे क्या? देखना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। वैसे देखो यार सामने वाले एनिमी हमसे कितना डर रहे हैं, सामने ही नहीं आ रहे, आ गया एक प्लेयर तो आ गया हमारे हाथ से वन टैप खाने के लिए। पर हेडशॉट तो तभी लगेगा ना जब वो पीक देगा, लेकिन वो ओपन में आने से इतना डर रहा है ना कि बता नहीं सकते। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया? अरे सादिक भाई वो ना राउडी है, राउडी सादिक भाई, वो राउडी है, तुम उसका नाम नहीं सुने होगे कभी, लेकिन वो राउडी है भाई। अबे भाई देखा, अरे भाई सादिक भाई के साथ क्या हो रहा है भाई, एक राउंड भी नहीं निकल रहा है भाई, बुरा लग रहा है मेरे को। भाई ये सिर्फ तीन राउंड वाला ही कस्टम है, अगर ये राउंड भी गलती से हार गए ना तो पूरा मैच भी हार जाएंगे। पर आपको तो पता ही है ना कि हम पहले सामने वालों को जितने हो सके उतने राउंड्स जीतने देते हैं। ओ अच्छा, फिर उसके बाद ऐसा कमबैक करते हैं, ऐसा कमबैक करते हैं कि वो हंसता नहीं रोने लगता है। साले तू इसी बात पे मरते मरते बचे लेकिन मरे नहीं है भाई। ठीक है, अरे भाई गुस्सा आ रहा है उसको, गुस्सा आ रहा है उसको। हाँ भाई साला स्पैमिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है भाई, 12 गन चलाता है एक साथ वो। अरे भाई सात्विक भाई ने क्या हेड मारा बे, क्या बात है क्या बात है। गाइस क्या यहाँ पे सात्विक भाई एक राउंड भी निकाल पाएंगे क्या? कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या यहाँ पे सात्विक भाई एक राउंड निकाल पाएंगे क्या? बहुत वीडियोस बनाई है सात्विक भाई, बिनजद भाई को मारा वो, हारा हुआ कभी नहीं डालते हैं। हम
बहुत बोल चुके हैं कि ऐसा मारेंगे वैसा मारेंगे, पर अभी तक मारा नहीं है। लेकिन अब मारेंगे ना। ये देखो ऐसे व्हाइट कलर के हेडशॉट्स आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे। भले ही कुछ लोग इनको बॉडी शॉट्स बोलते हो, लेकिन हमारे लिए तो ये हेडशॉट्स से भी बढ़ के हैं। आज पिटाई का डाल देना कहीं पे भाई साहब, टिकटॉक पे ये डाल देना अपने। क्या क्या बोलो? टिकटॉक पे ये डाल देना अपने। स्पैमर, अरे तेरा नेट, अबे वो तू क्या खेल रहा है? अभी मस्त, अबे रुको ना, अबे उसको खुश करो ना, अबे वो खुश होना चाहिए भाई, तू समझ नहीं रहा है। ठीक है, दो बंदे, ए तुम दोनों एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो बे, जान दे उसको, एलिमिनेट कर, एलिमिनेट कर। गजब आदमी है यार। पता नहीं बाकी के दोनों प्लेयर्स क्यों एलिमिनेट हो गए, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, नहीं बहुत अच्छा हुआ, और ऐसा करके एक राउंड हमारे नाम हो गया। हाय हाय, अरे भाई ए, चीटर, एक राउंड निकाल दिया। अरे भाई राउंड निकाल दिया भाई। भाई इस राउंड में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, चीटिंग हुई है, चीटिंग। तो हम आपको ये राउंड नहीं दिखाएंगे, ये बस एक राज ही रहेगा। चलिए ठीक है फिर। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अब बिनजद भाई फुल मैप वाला कस्टम रूम बना रहे हैं। चल मनीष भाई, मनीष भाई का गेम सेट नहीं लग रहा भाई। अरे भाई सादिक भाई के साथ क्या हुआ रे? सादिक भाई अभी रोना मत। अरे वो रो रहा है। मैं क्या करूं ऐसी जिंदगी का? इसको तो वो टूट गया होगा भाई, सातिक भाई अपना खत्म हो गया भैया मैटर। भाई मैं क्या बोला, फुल मैप भी बनाते क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लगने वाला है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये समस्या है। तो इस 1v3 का बदला फुल मैप में 48 बंदों के सामने भूया करके लेना होगा। चलिए ठीक है फिर। सात्विक भी आ चुका है, सात्विक इस बार खुद आया है। अरे भाई सात्विक को भी मेरे को ऐड करना चाहिए था पहले भाई। फिर बिना देरी करे आ गए कस्टम में और गेम भी स्टार्ट हो चुका है, और तो और एरोप्लेन से भी छलांग लग चुकी है। अरे तू कैंप करके भूया मत करना, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सारे बंदे नए आ चुके हैं अभी पूरे रूम में, तो सबको एक अलग मौका मिलेगा। साथ ही आपको बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर लोग भी मिलेंगे कस्टम में, अगर आपको कॉन्टेंट बनाना है बनाओ भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सात्विक भाई भी यहाँ पे आ चुके थे, सात्विक भाई सबको दिल दे रहे एकदम मस्त भाई। अब आएगा ना मजा बिडू, अब आएगा मजा। उड़ते उड़ते सीधे पीक पे आके गिर गए, और गिरते ही साथ दोबारा ऊपर जाने वाले थे, पर ग्लू वॉल ने जान बचा ली। अब सिर्फ और सिर्फ इस ग्लू वॉल के खातिर एक किल करना तो बनता है, क्योंकि वैसे भी हम एक किल से ज्यादा कहाँ कर पाते। ये तो पीक पे जा रहा है भाई, इसका तो हिम्मत बहुत बढ़ रहा है भाई। पहले ये बंदा पीक पे बिल्कुल भी नहीं जाता था, लेकिन अब ये बंदा पीक पे ही होता है पूरा टाइम। सामने की साइड खतरनाक वाली लड़ाई चल रही है, जिसमें थर्ड पार्टी करने के लिए एक नूब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। अरे भाई मजा आ गया, फ्री का किल मिल गया। क्या बात है, क्या बात है। काश थोड़े पहले आ जाते तो एक किल और मिल जाता, लेकिन जीरो किल से अच्छा एक किल तो हुआ। अरे अरे आपको भाई यहाँ, आपको भी मरना है क्या? फिर जल्दी से मर जाओ, और अच्छी बात अपना को मार दिया पीछे से एक अच्छा। अरे भाई साहब एकदम चालाकी के साथ सामने हेक्टर है, और हेक्टर भाई को भी मार दे। देखा हेक्टर का बंडल में दूर से ही पहचानता हूँ। ठीक है चलिए ठीक है फिर। भाई दो किल करके मन नहीं भरा, इसलिए बिनजद भाई ने एक और एनिमी को भेज दिया, तो फिर ना चाहते हुए भी इसको मारना पड़ेगा ना, नहीं तो बिनजद भाई बुरा मान जाएंगे ना। ये क्या है भाई, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चल रहा है क्या? और एक और बंदा भी आ गया, ये सब लोग मिलके हमारे पीछे ही पड़े हैं यार। सैड इमोजी। पर प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऑटो रिवाइवल ऑन होने की वजह से दोबारा रिवाइव हो चुके हैं। लेकिन सात्विक ने यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से खेला, और मतलब एकदम फायदे में रहा दे, अब एकदम कवर में, और बाकी बंदों को ना एकदम मजबूर कर रहा है सामने आने के लिए। लेकिन यहाँ पे ज्यादा अच्छा गेम प्ले का प्रदर्शन, दोनों बंदे यहाँ पे क्या जीत भाई को मार, जीत अरे भाई साहब इसने तो दोनों को मार दिया भाई, जीतू भाई और वो फाइट किए और उसने दोनों को मार दिया भाई साहब। सात्विक हवा में वापस आ चुका है, बट उसने 3 किल किए। कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार एक एनिमी के दर्शन हो ही गए, तो चलो इसके ऊपर ड्रैगन लेके चढ़ जाते हैं। वैसे आज हमारे कुछ ज्यादा ही किल्स नहीं हो गए हैं। यहाँ पे सात्विक ने अपना चौथा किल भी टपा लिया है,
चौथा किल अपना कर लिया यहाँ पे सात्विक भाई ने। किल करने के बाद शांति से मैडी वगैरह मार रहे थे कि तभी एक दिमित्री वाले अंकल आ जाते हैं, ठीक है, जो कि पहले तो हमें मारते हैं पर सोनिया बनने के बाद टीम अप करने लगते हैं। तो हमने भी उनके साथ टीम अप कर लिया, लेकिन भाई वो तो गद्दारी कर देते हैं, पर किस्मत ने तो उनके साथ ही गद्दारी कर दी। क्या बात है सर। अरे भाई वो टीम अप नहीं कर रहा था, वो ना तुमको मारना चाहता था असल में। अरे ठीक है समरिया। एक और शिकार यानी कि एक और एनिमी सामने आ चुका है प्यारे प्यारे बॉडी वाले हेडशॉट्स खाने के लिए। फिर देर कैसी खा लो ड्रैगन के बॉडी शॉट जो कि हेडशॉट से भी ताकतवर है। अच्छा सात्विक भाई अभी भी 6 किल करके यहाँ पे बैठे, क्या लगता है आपको गाइस, क्या इस बार भाई को कॉन्टेंट मिल जाएगा क्या बुया करके, क्योंकि आज तक कभी देखा नहीं है इसको 6 किल करते हुए भाई। अरे भाई दिमाग देखना चाहोगे दिमाग? हाँ। तो अब ध्यान से देखना, सामने की साइड एनिमी है और उसके पास भी ड्रैगन है। हम दोनों ने एक दूसरे को एक एक गोली का छोड़ दिया, पर थोड़ी देर बाद इसने हमें 3 HP का छोड़ा। तो अब इसको ऐसे मारेंगे जिसके बाद आपको मजा ही आ जाएगा। अरे भाई क्या बवाल ट्रिक किया ना वो। मानना तो पड़ेगा मेरे भाई, मस्त 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 भाई, सच्ची बता रहा हूँ ब्रो, बहुत बढ़िया यार सात्विक। ओके भाई बस 2 अलाइव हैं, यानी कि सिर्फ एक बंदा बचा है, मतलब 1v1 की फाइट होने वाली है। पर देखो तो उनको कितनी जल्दी है हमें मारने की, इसलिए वो अंधारश किए जा रहे हैं। अरे भाई गिल्ड का एक्टिंग लीडर वर्सेस सात्विक, गिल्ड का एक्टिंग लीडर, बहुत डैमेज सात्विक को डैमेज तो पड़ रहा है। अरे भाई लेकिन मनीष भाई एकदम सात्विक भाई लेकिन कवर में खेल रहे हो। अरे भाई साहब देखते हैं क्या होता है। नहीं ब्रो भैया हमारा है, हमें शांति से दे दो, नहीं तो हम खुद आपको मार के ले लेंगे और क्या। हम दोनों ने एक दूसरे को सोनिया बना दिया, पर हम दोनों के पास ही इंजेक्शन यानी होरिजोलाइन है, पर ये घटिया किस्मत भी ना हर बार हमारे साथ इस गेम करती है। कभी वो ये होता ही नहीं और होता भी है तो गलती से। तो आप बिनजाद भाई के मुंह से हमारी तारीफ सुन लो। बिनजाद गेमिंग गिल्ड का एक्टिंग लीडर वर्सेस सात्विक भाई। सात्विक भाई सात्विक कौन बचेगा पे। अरे भाई मनीष भाई जीत गए भाई साहब, क्या लगाना है। अरे भाई क्या भवाल चीज थी ना ये। अरे भाई साहब खत्म हो गया भैया मैटर, ये क्या भवाल हो गया भाई, मतलब सच्ची बता रहा हूँ भाई एकदम। ये भाई